नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे आज हम टेरेलिटी टोकन के बारे में, जिसमें आप लोगों को बताएंगे कि क्या कुछ नया आप लोगों के लिए यहाँ पे टेरेलिटी टोकन से आ रहा है। काफ़ी कुछ बड़ी न्यूज़ निकल करके आ रही है, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। दोस्तों बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लोग हमारे इस टाइम पर आप लोग इंतज़ार करते हो हमारी उस वीडियो का। जैसे कि मैं हर डेली आप लोगों को पता है कि 7:30 से 8 बजे तक मैं आप लोगों को टेरेलिटी से संबंधित आप लोगों को एक वीडियो ज़रूर देता हूं, उसकी जानकारी देता हूं। और कल के डेट में मैं जो है वो वीडियो नहीं दे पाया था, जिसकी वजह से आप लोगों में से कई लोग हमारे किसी और वीडियो पे आकर के हमसे कमेंट में पूछने लगे कि जो है टेरेलिटी का वीडियो कहाँ गया। तो दोस्तों अच्छा लगता है कि जब आप लोगों का प्यार मिलता है और आप लोग पूछते हो कि वीडियो कहाँ है, कैसे है, तो अच्छा लगता है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है, जहाँ पर मैं कुछ खास न्यूज़ लेकर के आप लोगों के लिए आया हुआ हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपना प्यार देते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों को जानकारी देते हैं टेरेलिटी टोकन से संबंधित। ठीक है दोस्तों, टेरेलिटी टोकन में जैसा कि मैंने आप लोगों को एक तरीके से चैलेंज ही किया था कि आप लोगों को 3 महीने तक अगर आप होल्ड करते हो तो आप लोगों को इसकी प्राइस डेफिनेटली 1 रुपये तक जाती हुई या उसके आसपास या उससे ज़्यादा भी जाती हुई दिखाई देगी। कुछ भाई लोगों को इस बात पर एतराज़ था कि ये प्राइस इतना जल्दी पंप कैसे हो सकता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो टेरेलिटी का टोकन है, सबसे बड़ी न्यूज़ जो निकल करके आ रही है तरल की तरफ से, वो आप लोगों की निकल करके आ रही है बर्निंग से रिलेटेड। ठीक है, तो बर्निंग से रिलेटेड जो न्यूज़ निकल करके आ रही है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो इसके लिए मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूँ टेरेलिटी की वेबसाइट पर, जहाँ से मैं आप लोगों को हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में बताऊँगा। देखिए दोस्तों, टेरेलिटी टोकन, आप लोगों का सैटेलाइट टोकन, आप लोगों का रेड मार्स और रेवोल्यूशन गेम्स, ये चारों आप लोगों का लगभग एक ही ओनर का है, जो कि है मिस्टर अभिजीत जी, जिनके द्वारा मैंने आप लोगों को बताया था कि एक AMA सेशन में उन्होंने टेलीग्राम पे सीधे कहा था कि अगले 3 महीने में आप लोगों को तरल का जो प्राइस है वो आप लोगों को 1 रुपये तक जाता हुआ जरूर दिखाई देगा। ठीक है, या उससे ज़्यादा भी जाता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद से दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि लगभग 33.33% की बर्निंग यहाँ पर आप लोगों के सामने 7 फरवरी तक आप लोगों की गई थी। ठीक है, जिसमें आप लोगों के तरल के बहुत सारे टोकन यहाँ पे बर्न कर दिए गए थे। उसके बाद से आप लोगों को एक नया डिटेल, जो एक नई बर्निंग के बारे में यहाँ पे सूचित किया जा रहा है, जो कि आप लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। तो इसके लिए मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूँ टेरेलिटी BSC स्कैन पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे समझने वाली चीज़ ये है आप लोगों को, मैं यहाँ पे आप लोगों के आ गया हूँ टेरेलिटी BSC स्कैन पे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो इनके टोटल सप्लाई है वो आप लोगों का लगभग 600 ट्रिलियन के करीब में है। ठीक है, 600 ट्रिलियन के करीब में है। आप लोग यहाँ पे ये चीज़ कह रहे थे कि 600 ट्रिलियन सप्लाई है, आखिर बर्न कहाँ हो रही है। ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे बर्निंग लगातार चल रही है दोस्तों, और इसमें से जो आप लोगों को टोकन दिख रहे हैं, इसमें भैया 600 ट्रिलियन टोकन आप लोगों के लॉक हैं। ठीक है, 600 ट्रिलियन टोकन यहाँ पे पूरी तरीके से लॉक कर दिए गए हैं। ठीक है, अब उसके बाद से जो आप लोगों का यहाँ पे मेन अमाउंट जो बच रहा है वो आप लोगों के सामने यहाँ पे बच रहा है ये वाला अमाउंट। ठीक है दोस्तों, ये वाला अमाउंट आप लोगों का बच रहा है, यानी कि दोस्तों आप लोगों का लगभग 7 खरब टोकन यहाँ पे बच रहा है। ठीक है, 7 खरब टोकन आप लोगों का यहाँ पे बच रहा है, जो कि यहाँ पे बर्न होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, 7 खरब टोकन में से आप लोगों का अभी का जो न्यूज़ निकल करके आ रहा है, बहुत जल्द आप लोगों को यहाँ पे दोस्तों 50% टोकन यहाँ पे बर्न होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, 50% टोकन यहाँ पे आप लोगों को बर्न होता हुआ दिख जाएगा, जिसमें आप लोगों का 7 खरब में से आपका आधा बचेगा, यानी कि 3.5 खरब टोकन केवल रह जाएंगे। यानी कि अगर यहाँ से प्राइस आप लोगों का पंप होगा तो आप लोग सोच सकते हो कि डबल या ट्रिपल का फायदा तो उदेका ही देगा केवल बर्निंग से। उसके बाद से जो इन्वेस्टर्स आएंगे, जो होल्डर्स बढ़ेंगे, उनकी वजह से भी आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पंप देखने को मिलेगा इसकी प्राइस में। ठीक है, उसके बाद से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इनके होल्डर्स जो है 5,148 के करीब में होल्डर्स हैं। अब मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूँ टेरेलिटी एक्सचेंज पे। देखिए दोस्तों, टेरेलिटी एक्सचेंज पे अभी परसों शाम को मैंने वीडियो बनाया था, जहाँ पे INR डिपॉजिट का प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे टेरेलिटी का जो INR का डिपॉजिट है वो स्टार्ट हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक ही दिन में इतना ज़्यादा प्यार मिला टेरेलिटी एक्सचेंज को कि इस एक्सचेंज को अपना पेमेंट यहाँ पे जो डिपॉजिट का था वो बंद करना पड़ा। क्यों बंद करना पड़ा? क्योंकि वहाँ पर जो बैठे हुए हैं डिपॉजिट को एक्सेस करने के लिए, वहाँ मुश्किल से मुश्किल 3 या 4 मेंबर्स या 5 मेंबर्स बैठे होंगे,
और जब इतना तगड़ा, उम्मीद नहीं किया गया था कि इतना तगड़ा आप लोगों के द्वारा इसको प्यार दिया जाएगा, ठीक है। जहां पे सोचा गया था कि जो डिपॉजिट का अमाउंट होगा वो लाखों में होगा, वो डिपॉजिट का अमाउंट आप लोगों का लगभग करोड़ों में पहुंचा, जिसकी वजह से लोड ज़्यादा पड़ गया, ठीक है। अब वहां पे एक रोबोट पेमेंट गेटवे की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि आप लोगों का वजीर एक्स पे, बाइनेंस पे और जगहों पे होता है, जहां पे INR डिपॉजिट होता है। आप लोगों का मेन है वजीर एक्स, ठीक है, जहां पे आप लोग जानते भी होंगे किस तरीके से होता है। तो एक पेमेंट गेटवे की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से आप लोगों को वहाँ पे आसानी से सुविधा हो सके कि आप लोग वहाँ पे डिपॉजिट कर सको। ये डिपॉजिट का जो प्रोसेस है, ये आप लोगों को कल या परसों में आप लोगों का फिर से वापस से स्टार्ट हो जाएगा, और जब स्टार्ट होगा तो आप लोगों का पेमेंट गेटवे लगा होगा, वहाँ से आप लोग इंस्टेंट डिपॉजिट कर सकते हो बिना एक सेकेंड की देरी के, ठीक है। दूसरी चीज़ जो निकल करके आ रही है इसकी 50% बर्निंग की, वो तो मैंने आप लोगों को बता दी कि लगभग 3.5 खरब टोकन अभी बचने वाले हैं जो अगली बर्निंग होने वाली है इनकी, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी यहाँ पे कि टेरेलिटी का पेमेंट गेटवे लगने वाला है। अब तीसरी चीज़ जो आप लोगों का क्वेश्चन निकल करके आ रहा था KYC का, तो भैया KYC प्रोसेस चल रहा है और आप लोगों का KYC प्रोसेस की भी प्रक्रिया को यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से निकाला जा रहा है कि जल्दी से जल्दी लोगों का KYC प्रोसेस हो सके। आप लोगों को ये पता है कि इंडिया में जो KYC का प्रोसेस है वो आप लोगों का आधार कार्ड से होता है, ठीक है। तो और वहाँ पे वेरीफाई करने के लिए 4-5 एजेंट्स बैठे हुए हैं इनके, और जो KYC की प्रक्रिया में लोग मेंबर्स जुड़ रहे हैं टेरेलिटी पे, जो प्यार मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में मिल रहा है। तो एक ही दिन में या 2-4 दिन में ख़त्म करने वाली चीज़ नहीं है जो कि करके अपना KYC को ख़त्म कर दिया जाए। तो एक समय ऐसा आएगा कि आप लोगों की सबकी KYC यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और उसके लिए भी एक नया तरीका अपनाया जा रहा है कि आप लोगों का KYC यहाँ पे कंप्लीट कर दिया जाए। तो जो तीन चीज़ें आप लोगों के लिए मेन जरूरी हैं, वो तीनों चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं, और उसके बाद से जैसे ही आपका KYC यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, आप लोग यहाँ से विड्रॉल का प्रोसेस भी अपना शुरू कर सकते हो, लेकिन ट्रेडिंग आप लोग कर सकते हो। और साथ ही साथ जो इनका विड्रॉल का प्रोसेस है उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन उसमें एक लिमिट है कि आप उतने ही लिमिट तक केवल अपना विड्रॉल कर सकते हो, तब आप विड्रॉल कर सकते हो, ठीक है। एक बार में सारा का सारा पेमेंट विड्रॉल नहीं कर सकते हो विदाउट KYC के। चौथी चीज़ जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पे, स्टेकिंग से संबंधित। स्टेकिंग में आप लोगों को भैया देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप अभी एक्सचेंज पे आते हो, आज के 3-4 दिन पहले मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर आप एक्सचेंज का इस्तेमाल अभी करते हो तो आप लोगों को तत्काल में केवल 20,000 ही टोकन यहाँ पे स्टेक पे लगा सकते हो, ठीक है। अब क्यों लगा सकते हो, कैसे लगा सकते हो, ये भैया ओनर जाने और एक्सचेंज वाले जाने, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन 20,000 से ज़्यादा का आप स्टेक नहीं कर सकते हो। तो 20,000 ही टोकन स्टेक होते हैं। अब आप लोग जो यहाँ पे पूछ रहे थे, तो यहाँ पे जो अर्निंग होती है वो यहाँ पे शो होती है 78.94, ये हमारा 24 घंटे का जो बना हुआ है, इतने टोकन्स मुझे हर 24 घंटे में हमारे मेन वॉलेट में ऐड हो जाते हैं, ठीक है। और अब स्टेक भैया आप लोग जान लो कि स्टेकिंग में जो स्टेक लगाए हुए हैं, अगर आप अपना स्टेक हटाना चाहते हैं तो 25/4/2022 के पहले आप लोग स्टेकिंग यहाँ से नहीं हटा सकते हो। वही चीज़ मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि आप लोगों को स्टेकिंग से हटाने की ज़रूरत ही क्या है, ठीक है। आप लोग इस टोकन को पड़े रहने दो, अगले 3-4 महीने में आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट ये देने वाला है। अगर इसकी प्राइस पहुंच भी गई, तो अगर मान लो कि आप 20,000 टोकन ही अपना इन्वेस्ट करके रखे हुए हो, तो अगर मान लो कि इसके प्राइस मान लो 1 ही रुपये केवल जाती है, जो कि उससे ज़्यादा जाने की उम्मीद की गई है, तो आप लोगों का भैया 20,000 रुपया तो ऐसे ही बन गया, ठीक। लेकिन अगर कहीं 10 रुपये पहुंच जाता है तो आप लोग यहाँ पे भी आप लोग इसके जान सकते हो कि ये लगभग 2 लाख रुपये के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो होल्ड करना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर एक चीज़ के लिए आप तैयार रहिएगा, सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मुहैया करवाई जाएंगी, सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे अच्छे तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा। ओनर भी इसका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गतिशील है, अपने काम को बहुत बखूबी तरीके से कर रहा है। बाकी जो लोग जानते होंगे वो बहुत अच्छे से जानते होंगे अभिजीत जी को किस तरीके से वो अपने काम को अंजाम देते हैं, ठीक है। तो बाकी की कोई और न्यूज निकल करके आती है दोस्तों, तो मैं कल की वीडियो में उसको शामिल करूंगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे रहिएगा, क्योंकि इस तरीके की जानकारी मैं लगातार आप लोगों को प्रोवाइड करता रहता हूं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो पर लाइक कर करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।